दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। माहौल देखकर तो आपको पता चल गया होगा कि मैं मेले में मौजूद हूँ। कोटा दशहरा मैदान में मैं इस वक्त हूँ। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ रावण जहाँ पे तैयार किया जा रहा है, रावण के पुतले जिस पांडाल में तैयार किए जा रहे हैं, सबसे पहले मैं वहाँ लेकर चलता हूँ। उसके बाद हम फिर पूरा मेला घूमेंगे और दिखाएंगे कि अभी मेले में कितने परसेंट झूले लग चुके हैं, कितनी दुकानें लग चुकी हैं, कितनी पब्लिक है, सारी जानकारी दूंगा। बट सबसे पहले आपको दिखाते हैं रावण के पुतले, क्योंकि आपको हर साल इंतज़ार रहता है रावण के पुतलों को जानने का, देखने का। इस बार क्या कुछ खास है, क्या कुछ नया है मेले में, वो सारी जानकारी आपको दी जाएगी। बस आप इस वीडियो में बने रहिए। रावण के पुतले तैयार करने का काम किया जा रहा है जोरों शोरों पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ पुतले तैयार हो चुके हैं और मैक्सिमम काम इनका लगभग ख़त्म होने की कगार पर। तो अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ पर पुतलों को तैयार किया जा रहा है और इस बार का जो रावण है उसमें मुख्य आकर्षण क्या होने वाला है। आइए दोस्तों दिखाते हैं आपको अंदर चलकर कि यहाँ पे आखिर किस तरह का काम किया जा रहा है। देखो यहाँ पे ये लोग कितनी मेहनत से फाइनल फिनिशिंग देते हैं, छोटी छोटी बारीकियों का ख्याल रखा जाता है। इस विशालकाय रावण के पुतले को देखिए, इसके शरीर पर जो एक एक डिटेलिंग्स पे ध्यान दीजिए आप। धड़ दो अलग हिस्से में है, वहाँ पैर और मौजूद हैं, उसकी टांगें, उसकी जूतियों का साइज़ आप देख सकते हैं कितना ह्यूज होता है। और ये इसका चेहरा है रावण का, डिटेलिंग्स पे ध्यान दें तो बहुत बारीकी से इसको ढाला गया है और बनाया गया है। इस बार का जो रावण है वो कुछ इस तरह का दिखने वाला है आपको। विशालकाय शरीर का अंदाज़ा आपको इस बात से देखकर लग जाएगा कि मैं रावण के पुतले के पास खड़ा हूँ और आप पीछे देख सकते हैं कितना विशाल शरीर रखा गया है। तो जैसा कि आपको हर साल इंतज़ार रहता है कि रावण बनाने का कार्य कहाँ चल रहा है, उससे रिलेटेड जानकारी आपको जाननी होती है। आज की वीडियो में आपको सारी जानकारी शेयर करने वाला हूँ। इस बार जो रावण का पुतला बनने वाला है वो 80 फीट लंबा बनने वाला है। इस बार जो रावण को तैयार करने का काम किया जा रहा है वो अनीस भाई के द्वारा किया जा रहा है और उनसे कुछ जानकारी मैंने मालूमात हासिल करने की कोशिश की तो पता चला कि 500 बांस लगेंगे इस पूरे पुतले को तैयार करने में, 2.5 क्विंटल मैदा लगेगा, 200 किलो सुतली लगेगी और 300 किलो रद्दी पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा। तब कहीं जाकर और उसके साथ ढेर सारी मेहनत और इन लोगों की कलाकारी, उसके बाद कहीं जाकर रावण के पुतले लगभग 80 से 90% काम कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। 11 तारीख को पुतलों को खड़ा करने का काम किया जाएगा। आतिशबाजी अलग टीम के द्वारा की जाएगी, जयपुर से एक खास टीम बुलाई जाएगी जो आतिशबाजी का कार्य करेगी। 12 तारीख को रावण दहन कर दिया जाएगा शाम को 7 बजे। राजा के द्वारा जो सवारी निकल दी जाती है उसकी झलक भी आने वाले वीडियोस में आपको देखने को मिलेगी। दशहरे मेले से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कर दिया कीजिए। आइए दशहरे मेले के कुछ और मुख्य आकर्षण की ओर लेकर चलता हूँ, लेट्स गो। लोगों का हुजूम यहाँ राम बारात देखने के लिए इकट्ठा हुआ है। बच्चों को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है मेले में, फिर बात चाहे सॉफ्टी की हो या फिर झूलों की। बड़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में झूले हैं, अलग अलग वैरायटी भी है, वहीं दूसरी ओर बच्चों के लिए भी कमी नहीं है। सॉफ्टी की दुकान से लेकर फास्ट फूड तक कंप्लीट फूड मार्केट जम चुका है। एक ओर जहां झूले रौनक बिखेर रहे हैं, रंग बिरंगी रोशनियाँ दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर फूड मार्केट का प्रचार प्रसार करने का तरीका भी अट्रैक्ट करेगा। बाबा अमरनाथ की गुफा, कश्मीर का सेटअप, मौत का कुआं और गोल्डन सर्कस मेले के मुख्य आकर्षण रहेंगे इस बार। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें।